हेलो हेलो, अपनी हुडी उतार दीजिए। हाउ इज़ इट गोइंग गर्ल्स? सुपर्ब, परफेक्ट। अच्छा चल रहा है। इतना वेट किया आपने, 18 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, 9 बॉयज 9 गर्ल्स, सिर्फ एक लड़के और एक लड़की की जगह बची है। उन दोनों में से एक लड़का होने वाला है सिलेक्ट। वी डोंट नो क्या होएगा, बिकॉज़ बहुत कंफ्यूजन है, राइट? बिफोर दैट, 2 महीने पहले मिले थे ऑडिशंस के वक्त पर, अभी सब अलग लग रहे हैं, मच बेटर। काफी एफर्ट किया आपने अपने स्टाइल में, फिटनेस में, कुछ वुड यू वांट टू टेल मी? सर, आपने स्किपिंग का एक पिछली बार कहा था कि यू शुड हैव टू क्रिस क्रॉस ना। मैंने आपको कहा था कि नहीं, मेरे से नहीं होएगा, बट वो हो गया, करवा दिया था वहीं पर। यस सर, वो योर मैजिक, एंड यू लाइक मैजिक ना, तो उस मैजिक को मैंने साथ लेके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स करना और सीखे। रियली? यस सर, आईड लव टू सी इट। यस सर, सर इफ आई हैव माय रोप। या गो। That's fun. Nice. Okay. चल ट्रिपल कर सकते हो। तो अभी जिम में आके ऐसे शो ऑफ करते हो पहले जाके? ओके, वेरी गुड। ओके सर, ट्रिपल ट्रिपल जंप आया। ओ हाफ अ सेकंड, हाफ अ सेकंड। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। Oh, okay. Next time. Good. That's amazing. Okay. और कुछ? Sir, मजा आता है ऐसे skipping करके? अरे sir, बहुत। मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने brother को देखती होती थी और मैं नहीं कर पाती थी, but अब brother अब तुम्हें देखता है और yes, अब वो देखेगा, वो भी शौक होगा, okay, इसने इतनी सारी चीजें कर ली कि मैंने उसको दिखाया नहीं था। एंड सर, एक और प्रिपेयर किया था, एक्चुअली मैं गिद्धा करती हूँ, आपको मतलब बताया था, मैं गिद्धा भंगड़ा करती हूँ, उसमें भी मैंने एक बनाया है अपने आप ही, कुछ अपने आप बनाए हैं मैंने, रोप के साथ, रोप के साथ दो तीन, एंड द स्क्वाट के साथ जो ये वाला था अपने आप ही बनाया, ये भी लाइक यस। ओके, गिद्धे में क्या होता है सर, ये वाली हड्डी चलती है तो ओके, देन इसको करने में सबसे ज्यादा मजा आता था। Oh, oh, कमाल, सुपर, दिस वाज माय फेवरेट, एंड क्रेजी, वाओ यार, सिर्फ इससे अभी क्या, विद इन मंथ एंड हाफ, यस सर, आई शुड बी गेटिंग समथिंग, चेंजिंग लाइव्स, वेल डन, गो बैक, अक्सर, नाउ प्रेशर, आप दोनों पे प्रेशर आ गया कि इन्होंने? सर, हम भी मेहनत करके आए हैं। क्या मेहनत की आपने? तो सर, मेरे साथ ये था कि नाम ले लिया था किस गैंग में जाना है, वो सिचुएशन। कौन सा गैंग? वो नहीं बताते सर, लेट्स नॉट गो देयर, टची टॉपिक है ये। आपके जैसा एक और कौन है, बुद्धू किसको बोला? तो बुद्धू आपको भी निखिल सर आपने बोल दिया था ना? तो मुझे बोला गया था कि ऐसा कुछ करो कि तुम्हें लेना पड़ जाए। We have to take you, तुम ऐसा मेहनत करके आओ।
मेरे को लगा कि क्या करूँ, मतलब फिटनेस यार कर लिया तो थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू किया. एंड देन आई थॉट ननचक्स इज अ ग्रेट आइडिया, आई विल डू ननचक्स, प्रैक्टिस करूंगी. यू एंड सैंडी हैव अ लॉट इन कॉमन. और आप सैंडी हैं, ननचक्स हैं आपके? हां, आई हैव दोस. Very good, yeah. Thank you, sir. That's something different. वैसे आप करती क्या? Sir, मैं fitness trainer हूँ, student, dancer. अब ये भी add कर लिया थोड़ा सा. आप बताइए. मैंने 4 kg lose भी किया है और साथ के साथ मैंने physically भी मैंने बहुत कुछ prepare किया है. क्या किया आपने? I want to show. Sure, show. Can I remove my shoes? Yes, of course. किसने बोला यार? कौन सा था? Sandy. नहीं मैं नहीं था, मैं चुप था. आवाज नहीं चल रही थी. किसने बोला ना यार? Sandy किसने बोला? मैं काशिश. मैंने flexibility के साथ और भी improve किया. जो भी. Oh, that's scary. If she does that or wow. No. Boys, तुम दोनों जाओ. तुम्हारी जगह एक लड़की और. बहुत मुश्किल हो गया यार ये. सभी को ले लो सर, सभी को ले लो सर, सभी को ले लो सर. हाँ, extreme. Yes sir. Sir, extreme. Sir, please. We only have space for one boy and one girl. So if you want to do, like, if you want something else, we can show you else. Yes sir. Can. Okay, I'm gonna slowly do this. पहले यहाँ पर जो आप लोगों ने किया ना, इससे सिर्फ आपका एटीट्यूड दिखता है कि आपने मतलब सिलेक्ट होने के बाद यूरिन से कि ठीक है आप सिलेक्ट हो गए, यू नो यू गाइस स्टिल वर्क्ड ऑन इट. एंड वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपकी पर्सनालिटीज़ में हमें चीज़ें देखनी थी वो हमने तब देख ली थी, दैट्स वाई यू वर सिलेक्टेड. और अगर आज यहाँ पर गैंग लीडर्स होते तो वो ज़रूर आपको सिर्फ उन चीज़ों के लिए सिलेक्ट करते जो उनके लिए, उनके गैंग के लिए इम्पोर्टेंट होता. Whereas, मैं चाहता हूँ कि जो रोडीज़ की जो स्पेशलिटी थी, अलग अलग लोग जाएं, अलग अलग पर्सनालिटीज जाएं. यही नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग हमारे गैंग में जाएं और वो परफॉर्म करें और हम उनको बचाते रहें जो हमारे मतलब यू नो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई अगर आप इस बार की रोडीज़ देखोगे एक्सट्रीम, देर इज़ अ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यस सर.
इन एनी अदर सीजन मैं जो आप पांच लोग यहाँ पे खड़े हो रहे इंक्लूडिंग द टू बॉयज आई थिंक आप लोग किसी और सीजन में आते तो जरूर रोडीज पे होते. आप तीनों किसी और सीजन पे आती तो जरूर ऑल ऑफ यू आर रोडीज मटेरियल. और ये मैंने बाकी लोगों को बोला बिकॉज दिस टाइम वी गॉट अ रियली गुड बंच. सो हैविंग सेड दैट रोडीज एक्सट्रीम में डिसीजंस विल बी टफ. अभी तो सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई खुश हो रहा है बट आगे जाके एक एक करके ये लोग सब कम होने वाले हैं राइट. मैं एक लड़की का नाम लूंगा आप तीनों में से जो आगे नहीं जाने वाली और फिर देखेंगे कि इन दोनों में से जो बची हैं उनमें से कौन एक सिलेक्ट होती है. जो लड़की हमारे साथ आगे नहीं जाएगी जो रोडीज एक्सट्रीम का हिस्सा नहीं है वो है रीति. आई डोंट नो व्हाट टू डू. द कॉम्पिटिशन इज रियली अमेजिंग. किसी भी और रोडीज पे अगर आप आती इट वुड हैव बीन अमेजिंग. इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी रोडी नहीं बन सकती या आप में वो रोडी स्पिरिट नहीं है. इट्स जस्ट दैट इस बार के रोडीज के ग्रुप में विद द काइंड ऑफ पीपल वी ऑलरेडी हैव यू नॉट फिटिंग. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक. All right. Bye, Riti. Bye, sir. Bye. Bye, you, best all luck. The best for your journey, okay? Bye. All right, you guys can join them. कुछ सोचा आप लोगों ने? क्योंकि ये अभी आपको किसी को नहीं पता कि कौन किसके गैंग में जा रहा है तो ऑब्वियसली जो आपका डिसीजन होगा इट वोंट बी बायस्ड. क्योंकि अगर आपको लगता है किसी और के गैंग में जा रहा है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो नहीं करेंगे वीक है हमारे में ना आ जाए. हियर इट्स जस्ट किसको रोडीज की जर्नी पे होना चाहिए. बॉयज़ में से कुछ मदद करना चाहेंगे कि बॉयज़ में से किसको जाना चाहिए. अभिषेक अर्श कितने लोग चाहते हैं कि हर्ष जाए और बाकी लोग यही चाहते हैं कि अभिषेक जाए. एक्चुअली बोथ आर अमेजिंग. हाँ बट इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट ना अगर दोनों के लिए तो मैं वो उसी सिचुएशन में तो हम भी हैं. गर्ल्स में वेरी टफ वेरी टफ वेरी टफ. गर्ल्स आपके यहाँ पे जो सबसे पहले कंपटीशन होंगे आपको पता नहीं कि कौन से गैंग में जाए वो आपकी फेलो लड़कियाँ होंगी बिकॉज यू विल बी फाइटिंग एक दूसरे से फॉर डिफरेंट थिंग्स. बॉयज मैं आप दोनों को एक मौका देता हूँ टू पिच टू द गर्ल्स कि वो आपको क्यों आपके लिए सिफारिश लगाएं कि मुझे सिलेक्ट करें. टेल देम व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू. चूजिंग मी मेरे को आई फील कि नॉट ओनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग मैंने मेंटली अपने आप को बहुत कंडीशन किया है फॉर दिस जर्नी टू मंथ्स में. एंड मुझे मालूम है वो अंडर स्ट्रेस जो एक ग्रुप एक अंडर स्ट्रेस जब आता है मैं नॉट इवन नॉट एज अ लीडर बट एक ग्रुप मेंबर की तरह आई नो वो स्ट्रेस मैं हैंडल कर पाऊँगी एंड शायद अपने ग्रुप से भी उस स्ट्रेस को हटा पाऊँगी. आई नो मुझ में वो एक कैपेबिलिटी है एंड बहुत फील गुड पर्सनैलिटी है. मैं नेगेटिविटी फैलाऊँगी नहीं कभी. खुश रहोगे आप लोग सब खुश रहेगा सब पूरा एनवायरमेंट सारा खुश रहेगा. सो डॉली दैट वे गर्ल्स मेरे में पेशेंस लेवल बहुत है. इवन मैं लिसनिंग क्वालिटी मेरी बहुत अच्छी है सबका सुनूंगी फिर जो डिसाइड होगा सबके साथ वही पिच करूंगी एंड इवन अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखूंगी और सब में से ये देखूंगी कि सब चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी क्या करना है. और इवन अगर मुझे लेते हो तो पंचुअलिटी डिसिप्लिन एवरीथिंग इज मी. गर्ल्स बोथ ऑफ देम आर लाइक माय ग्रेट फ्रेंड्स. तो उठ जाओ इन दोनों को आने दो. नो बट आई मीन Dolly. If you say like if you talk about hard work, it's Dolly. And if you talk about a strong personality, it's Shubh. For me also, I guess strong personality is of Shubh. But I love Dolly also. Dolly has done extremely great hard work. Okay. Light-hearted. Boys, kaun kaun single hai?
सब बॉयज ऑलमोस्ट. क्या मतलब क्या है चॉइस, क्या करें मतलब अभी आपके हाथों में चॉइस है. यू कैन कि सर मुझे डॉली ज़्यादा पसंद है, मुझे शुभ ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ है. तो डॉली जो चीज़ें करती है मैं नहीं कर सकता और आई अप्रिशिएट दैट, इसलिए आई वुड वांट कि वो आए. जो एक एक्सट्रीम सीजन का नाम है ना, तो जो चीज़ डॉली करती है वो एक एक्सट्रीम है. सो आई गेस कि डॉली को आना चाहिए, बट नो ग्रजेस यार, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी फ्रेंड है यार. सो शुभ की पर्सनैलिटी एक्सट्रीम है और जिस तरीके से उसने नंचैक किए कि यहाँ पे हमारे पास सैंडी दर्द होता था उसके, उसने जैसा किया है तो वो देखने में ही दर्द लग रहा था. डॉली को एक बहुत अच्छा मौका मिला, उसने अपने स्ट्रेंथ दिखाए. वेयर एज आपके जो स्ट्रेंथ थे वो हमने पर्सनल इंटरव्यू में देखे थे, बट यू सेड कि मैं कुछ और नई चीज सीख कर आई जो आपकी स्ट्रेंथ है. यू वांट टू शो देम व्हाट योर स्ट्रेंथ इज, माय योर स्ट्रेंथ, यू वांट टू डू योर कथक और समथिंग, यू वांट टू कथक, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि वो उनका फोर्टे है योगा, उन्होंने उसमें और भी रुचि पाई है, लेकिन आपने कुछ और नया सीख किया है विच आई लाइक. अपने आप को अपने जोन से हटाकर कुछ और सीखना, लेट्स गो, एटलीस्ट दे विल नो ना कि यहां तक कैसे पहुंचे हो. And you want to show your strength? Because you're a... She's actually a fitness trainer. At least they have an idea. Kuch change hua? Nazariya? The thing is, दोनों लड़कियों ने बहुत मेहनत की और दोनों में बहुत टैलेंट है, और इनमें से सिर्फ एक का यहाँ पर आना का मतलब ये नहीं कि दूसरा दूसरी जो है उनमें वो बात नहीं है, बट स्टफ एंड द बॉयज, इनमें किसी को कुछ डाउट है किसने क्या दिखाया, किसका क्या पर्सनैलिटी है? ऑलराइट बॉयज, आप दोनों में से जो हमारे साथ रोडीज एक्सट्रीम की जर्नी पे जा रहा है वो है अभिषेक दुबे. हर्ष मैन, हार्ड लक. आपके जैसा टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है मैन, यू आर अमेजिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. कैन आई से समथिंग रणविजय? मैं कुछ कहना चाहूँगा. बैक इन स्कूल, ये 2008 या 9 की बात है, मैं स्कूल में था तब. आई वाज नॉट अ डांसर एंड माइकल जैक, तब आप एक फेस्ट में आए थे, स्कूल फेस्ट में आए थे कैलकटा, एंड आपने तब माइकल जैक्सन की डेथ एनिवर्सरी थी, तो आपने बोला था कोई माइकल जैक्सन है किसी स्कूल से, तो मेरे सारे स्कूल वालों ने मेरी ना लेने के लिए मेरा नाम बुला दिया, एंड यू आर लाइक कौन है उसको नीचे बुलाओ. तो मैं ऊपर बैठा हुआ था कहीं से, मैं नीचे आया था. कोलंबस, कौन सा स्कूल है? एम्स करके, पता नहीं है, एम्स और डीसी सम स्कूल. सो मैं स्टेज पे आया, सब ने यू नो एवरी वन बूड मी ऑन स्टेज, एवरी सिंगल पर्सन बूड मी ऑन स्टेज. मी आल्सो, नो नो, आई कांट डू, एंड देन से आई एम कमिंग ऑन दैट. तो आपने आफ्टर आई गॉट डन विद माई थिंग, आपने स्टेज, आप स्टेज पे चढ़े एंड यू टुक द माइक एंड यू टोल्ड एवरीवन दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉल्स टू डू व्हाट ही हैज डन, एंड सीरियसली थैंक यू सो मच, यू नो दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट, थैंक यू सो मच. यू आर, लुक एट यू, आज लोग आते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कितना मतलब किस हिसाब से डांस करते हो. थैंक यू सो मच. वाओ मैन, सो प्राउड ऑफ यू. वाओ, आई वांट टू लव टू से वन थिंग, इट वाज
was a pleasure watching you. Pleasure. Seriously. Thank you. Thank you so seamless, man. Really. And looking forward to your collaboration. और जब हम सब देखेंगे इनमें से काफी लोग जो आपके फैन हैं, you'll be seeing me very soon. Like करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे एंड होपफुली यू नो वी हैव आप लोगों को बहुत जल्दी टीवी पे देखेंगे. ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी. समथिंग अबाउट हर्ष, लाइक ही इज अ वेरी वेरी गुड गाय रियली. तभी तो बैठा इस सीन में इस बार फिट नहीं हो रहा. बस कर यार. अरे तीनों साथ थे. सो मच लव. क्योंकि अभी तो कंपटीशन ही है ना इनका. थैंक्स सो मच मैन हर्ष. अभिषेक कांग्रेचुलेशंस. आप जा रहे हैं रोडीज एक्सट्रीम की जर्नी में हमारे साथ. वेलकम ऑन बोर्ड. गुड टू हैव यू. जो लड़की रोडीज एक्सट्रीम में हमारे साथ जर्नी में जाने वाली है वो है शुभदा. Congratulations, Shubhada. Welcome to Roadies Extreme. Dolly, Harsh, you guys are amazing. This आप दोनों का और शरण का बहुत ही मुश्किल डिसीजन था. कोई और रोडीज होता अगर ये 20 लोग नहीं होते तो that's not a consolation prize. आप लोग के अंदर वो बात है जो चाहिए होती है एक रोडी बनने के लिए. इस कॉम्बिनेशन में बैठा नहीं बट दैट डज मीन यू डोंट हैव इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. दीज आर योर रोडीज जो रोडीज एक्सट्रीम पे आपकी जर्नी पे जाने वाले हैं. सी यू. बेस्ट लक. यू आर अमेजिंग. अमेजिंग. बेस्ट लक. नो इट्स नॉट यहां पर नहीं. थैंक यू सो मच. बाय डॉली. बाय. ऑल द बेस्ट गाइस. थैंक यू. All right, congratulations. Thank you. अपने आस पास जो भी रोडीज बैठे उनको ढंग से देख लो. ये आपके दोस्त भी होंगे, आपका सपोर्ट भी होंगे, आपके हम सफर भी होंगे ऑन दिस अमेजिंग जर्नी. लेकिन उसके साथ साथ ये आपके अगेंस्ट परफॉर्म भी कर रहे होंगे, स्कीम भी कर रहे होंगे और आपको निकालने की पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे. अगर आपको लगता है कि आपको पता है इस जर्नी में क्या होने वाला है, यू गाइस आर सैडली मिस्टेकन. ये रोडीज एक्सट्रीम है. इधर तो आपके गैंग लीडर्स को नहीं पता कि क्या होने वाला है. इधर उनको नहीं पता कि उनके गैंग में कौन है. उनको ये भी नहीं पता कि ये 20 लोग जो आज सिलेक्ट हुए हैं वो कौन है. जब वो आपको पहली बार जर्नी में देखेंगे उनको शॉक हो बिकॉज दे प्रॉब्ली आर एक्सपेक्टिंग अदर पीपल ऑल्सो. राइट. तो जो कुछ दिन बचे हैं हमारे पास उसमें थोड़ा सोचो, समझो, डाइजेस्ट द फैक्ट कि आप रोडीज एक्सट्रीम पे जा रहे हो. मजा आया आज? बहुत सुपर. बस ये दिन और टाइम नोट कर लो जब आपको लास्ट मजा आया था. खत्म होने से. सी यू गाइस. आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून. थैंक यू सर. ऑन द फर्स्ट लोकेशन. वेलकम टू रोडीज एक्सट्रीम. सी यू गाइस सून. थैंक यू सर. थैंक यू सर.